अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश स्तरीय आह्वान पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बल्लभ महाविद्यालय मंडी में भी विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बल्लभ महाविद्यालय मंडी में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने धरने प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद ने स्थानीय महाविद्यालय प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार से छात्र संघ चुनावों की शीघ्र घोषणा करने, क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी को सुचारू रूप से चलाने तथा बल्लभ कॉलेज मंडी में बस पास काउंटर खोलने सहित तमाम मांगों को शीघ्र पूरा करने की सरकार से मांग की। साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को और उग्र करेगी। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोनिका राणा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद पिछले लंबे अरसे से विद्यार्थियों की समस्याओं को उठा रही है, मगर सरकार ने अभी तक परिषद की मांगों पर गौर नहीं फरमाया है। मजबूरन विद्यार्थी परिषद को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विद्यार्थी परिषद की मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आज पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन करने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में जाने के माध्यम से सभी कॉलेजों को धरना जाने के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें विद्यार्थी परिषद जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। सरकार को हमारी विभिन्न मांगों के लिए जागरूक किया जाएगा और ऐसे विद्यार्थी परिषद जो है विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार आह्वान करती रहती है कि हमारी मांग की जाए, लेकिन प्रदेश सरकार जो है इस बारे में कोई फैसला नहीं ले रही है, कोई निर्णय ले रही है। तो आज हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिसमें हमारी मांगे हैं जो छात्र संघ चुनाव है, छात्र संघ चुनावों को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की घोषणा 6 महीने पहले कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आज तक क्लासेस शुरू नहीं की गई है। उनके जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का काम है वो भी अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग कर रही है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो है जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाए और इसी सत्र से शुरू किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालयों की प्रत्येक जो विद्यालय है उनमें जो अध्यापकों के गैर जो रिक्त पद है उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए, इसके लिए जो है विद्यार्थी परिषद आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताना चाहती है कि हमारी मांगों को जल्दी पूरा किया जाए।